मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के ग्राम मर्रा की शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला से शाला प्रवेशोत्सव 2019 कार्यक्रम की शुरुआत की। पांच जुलाई को आने वाले आम बजट से प्रदेश के लोगों को कई अपेक्षाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। भिलाई में हुई जागरूकता दौड़। और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुंगेली पुलिस की अभिनव पहल। शॉर्ट फिल्म के जरिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के ग्राम मर्रा में नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया। दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड की ग्राम मर्रा की शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में आयोजित शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में श्री बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर श्री बघेल ने स्कूल में कम्प्यूटर लैब और ICT कक्ष का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले भी साथ थे। मुख्यमंत्री ने समारोह के दौरान स्कूली बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला। एवं हमारे सम्माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय सिंह एकदम जी, आप सभी का इस परिसर में अभिनंदन। गौरतलब है कि कक्षा छठवीं से मैट्रिक तक मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मर्रा के इसी शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में पढ़ाई की थी। केंद्र सरकार सत्ता में आने के बाद 5 जुलाई को केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने जा रही है। बजट के संबंध में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विद्वानों से रायशुमारी की। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार देश हित और आम लोगों की जरूरत को ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार कर रही है। बजट के संबंध में लोगों की अपनी अपनी राय तथा उम्मीदें हैं। हमारे राजनांदगांव संवाददाता ने आम बजट को लेकर लोगों से उनकी राय जानी। राजनांदगांव की जनता का ये मानना है कि केंद्र सरकार लोकहित को ध्यान में रखकर इस बजट को पेश करे। साथ ही महिलाओं ने रसोई गैस की कीमतों तथा खिलाड़ियों ने खेल में ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए बजट में प्रावधान की बात कही। अपने रसोई घर में जो भी लग रहा है, मतलब गैस सिलेंडर का बजट कम होना चाहिए, रसोई घर का जरूरी ध्यान देना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए। सरकार का जो नीति होनी चाहिए वो आम और गरीब आदमी के लिए होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश है कि राजनांदगांव शिक्षा का एक हब बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र और राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से राजनांदगांव में जो DCA है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, वहाँ पे क्रिकेट बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ फैसिलिटीज जो बच्चों को होनी चाहिए वो बजट के हिसाब से नहीं मिल पाती, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों को सुविधाएं चाहिए, जैसे कि टर्फ क्रिकेट है, अच्छा ग्राउंड चाहिए, लेवल ग्राउंड, क्योंकि क्रिकेट आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है, तो वहाँ पर प्रॉपर अच्छे से इक्विपमेंट्स और बोर्ड के तरफ से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमको, लेकिन फिर भी और भी कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए जिससे कि ग्रामीण प्रतिभा को हम निखार सके। और जगदलपुर में भी आम नागरिकों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। हमारे जगदलपुर संवाददाता ने लोगों से बजट के संबंध में उनकी राय जाननी चाही। लोगों ने कहा कि बजट में स्कूलों, सड़कों और चिकित्सा क्षेत्र के लिए ज्यादा प्रावधान करने की जरूरत है। वहीं किसानों ने बढ़ती खाद बीज की कीमतों पर अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही आम नागरिकों ने बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए बजट के प्रावधान की जरूरत बताई। तो सरकार भी थोड़ा ध्यान करना चाहिए, है कि नहीं? तो ये स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है, कोई रोड भी गड्ढा हो गया है, गड्ढा भी सुधारना पड़ेगा, उसको सरपंच भी ध्यान नहीं दे रहा है कि सरकार भी ध्यान नहीं दे रहा है। बजट में होना चाहिए, जैसा कि किसान को थोड़ा महंगाई बढ़ गया है, अभी तो छूट तो दिए, लेकिन खाद बीज का थोड़ा महंगाई हो गया है।
देखिए अभी देश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार को एक गंभीरता से लेते हुए कुछ योजना बनानी होगी जिससे कि बेरोजगारी दूर हो सके, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो या फिर उद्योग स्थापित करके हो या किसी भी तरह से बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। गौरतलब है कि लोगों को इस आम बजट से काफी उम्मीदें हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस है। इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित दुर्ग और भिलाई में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों में नशा निवारण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। भिलाई में इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर लंबी इस दौड़ में सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों सहित आमजनों ने भी बड़े उत्साह से हिस्सा लिया। बीएसएफ के उप महानिरीक्षक प्रदीप नौटियाल ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर बीएसएफ के उप महानिरीक्षक प्रदीप नौटियाल ने कहा कि आम जनता को हर प्रकार के नशे और उससे संबंधित लेन देन से दूर रहना चाहिए। ये दिन हम एकत्रित हुए हैं जो एंटी ड्रग डे है उसको मनाने के लिए, और इसके माध्यम से क्योंकि हम एक फोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, अनुशासन प्रिय है, तो हम समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी जनता जो है इस ड्रग से दूर रहे और इसका सेवन किसी भी तरीके का ना किया जाए। दुर्ग में भी नशा निवारण दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को नशे के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। ये रैली दुर्ग शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट में समाप्त हुई। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों और उस संबंध में गैर कानूनी लेन देन ज्यादा बढ़ जाने पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने चिंता जताते हुए हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ और गैर कानूनी लेन देन विरोधी दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय किया, जिसका मुख्य उद्देश्य जनसाधारण को नशे के खतरे और नशे के संबंध में गैर कानूनी लेन देन के खिलाफ सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों से लोगों को अवगत कराना है। दिन ब दिन बढ़ते जा रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस कई कदम उठा रही है। ऐसी ही एक पहल मुंगेली पुलिस द्वारा की गई है, जिसमें हेलमेट के उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए पुलिस द्वारा शॉर्ट फिल्म बनवाई गई है। इस फिल्म में मुंगेली पुलिस के एएसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी संदेशों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते दिखेंगे। इस संबंध में मुंगेली के एसपी सीडी टंडन ने बताया कि शॉर्ट फिल्म के माध्यम से लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने और शराब पीकर वाहन न चलाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। क्योंकि एक्सीडेंट की घटनाएं दिनों दिन बढ़ते जा रही हैं, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए एक पहल है कि हमारा मुंगेली जिला में जो है एक्सीडेंट कम हो। मुंगेली जिला है क्या, पूरे भारत देश में एक्सीडेंट में मौतों की संख्या कम हो, इसमें एक पहल है कि लोगों को जागरूक करने का चाहना है। इस संबंध में मुंगेली के एसपी सीडी टंडन ने बताया कि शॉर्ट फिल्म के माध्यम से लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने और शराब पीकर वाहन न चलाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। इन शॉर्ट फिल्मों में काम करने वाले कलाकार भी मुंगेली पुलिस की इस अभिनव पहल से काफी उत्साहित हैं। उनका मानना है कि पुलिस द्वारा बनवाई गई इन फिल्मों के माध्यम से लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और सड़क हादसों में कमी आएगी। काफी टाइम से वर्क कर रहे हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि लोग सुरक्षा पे ज्यादा अवेयर रहें, हेलमेट पहन के बाइक चलाएं, सीट बेल्ट यूज करें और ट्रिपल बाइक पे ना हो, ऐसा हम अपने फिल्म के माध्यम से लोगों में यही संदेश देते हैं। गौरतलब है कि मुंगेली पुलिस ने सड़क हादसों को रोकने के लिए संकेतक बोर्ड और रेडियम पट्टी लगवाने जैसे कई कार्यों की शुरुआत की है। कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के आतुरबेड़ा गांव में विषाक्त भोजन की वजह से 11 लोग बीमार पड़ गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए अंतागढ़ के विकासखंड चिकित्सा अधिकारी सचिंद्र गोटा ने बताया कि आतुरबेड़ा गांव में दूषित भोजन खाने से एक ही परिवार से 11 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिनमें से 9 लोगों को नारायणपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 4 लोगों का इलाज अंतागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। मितानी के द्वारा खबर मिली थी कि वहाँ पे कुछ लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हैं। सुबह मिलने के बाद तुरंत हमारी टीम, खुद मैं भी गया था, जिसमें 11 लोग पीड़ित थे, एक ही परिवार के थे, जिसमें से प्राथमिक उपचार के बाद
9 मरीजों को नारायणपुर जिला अस्पताल में और 4 को हमारे अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाए गए, जो अभी भी भर्ती हैं, जिनको उपचार के बाद भेज दिया जाएगा। और बाकी वहाँ हमारी टीम 2-3 दिनों तक कैंप करेगी और पीड़ित पाए जाने से उनको या तो अंतर्गत लाया जाएगा या वहीं उपचार किया जाएगा। इलाज के बाद सभी बीमार व्यक्तियों की हालत स्थिर बताई जा रही है। भिलाई में युवाओं के लिए आज प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। दुर्ग जिला रोजगार और मार्गदर्शन केंद्र के तत्वाधान में आयोजित इस प्लेसमेंट कैंप में आयोजित 55 पदों के लिए युवाओं की भर्ती की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए रोजगार अधिकारी श्रीमती जेएल साहू ने बताया कि भिलाई के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित इस प्लेसमेंट कैंप में फीटर और वेल्डर सहित कई अलग अलग ट्रेडों के प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर थे। जिला रोजगार मार्गदर्शन केंद्र के द्वारा आईटीआई में प्लेसमेंट किया गया है, जिसमें करीब 55 पोस्ट हैं, 2 कंपनियां आई हुई हैं। वेल्डर और फिटर के लिए 25-25 पद हैं और ट्रेनर के लिए 5 पद के लिए प्लेसमेंट किया गया है। वहाँ काफ़ी मात्रा में बच्चे आए हुए हैं। वेतनमान उनका 9500 करीब है उनका वेतनमान दोनों पद के लिए। इसी प्रकार हमेशा प्रयास किया जाता है कि बच्चों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। प्लेसमेंट कैंप में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि इन 55 पदों पर निजी नियोजकों द्वारा युवाओं की भर्ती की गई है। कोरिया जिले के वनमंडल में पर्यावरण और पेड़ पौधों को बचाने के लिए एक अभिनव पहल की जा रही है। यहां के वनमंडल के नर्सियों में जंगल में उगने वाले पेड़ों के साथ पीपल और बरगद सहित अन्य दुर्लभ प्रजाति के पौधों के बीजों की गेंद तैयार की जा रही है, जिन्हें उन स्थानों पर फेंका जाएगा जहां पेड़ खत्म हो गए हैं। इससे उन स्थानों पर स्वयं बीज अंकुरित होकर पेड़ बनने लगेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के ग्राम मर्रा की शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला से शाला प्रवेशोत्सव 2019 कार्यक्रम की शुरुआत की। पांच जुलाई को आने वाले आम बजट से प्रदेश के लोगों को कई अपेक्षाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। भिलाई में हुई जागरूकता दौड़। और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुंगेली पुलिस की अभिनव पहल। शॉर्ट फिल्म के जरिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।